हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेमेंदु कुमार विश्वकर्मा है और मैं प्रेमेंदु विश्वकर्मा आपके मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एनर्जी मेजर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की सीरीज़ में थर्मल सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ शॉर्ट्स नोट्स या आपको कह सकते हैं फार्मूला बताऊँगा, जिसे अगर आप याद कर लें या समझ लें तो आपके लिए जो थर्मल पेपर है बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है की पॉइंट्स जिसे जो ये थर्मल पेपर है पहले से जो है आसान हो जाए। ओके, तो हम हमारा जो एनर्जी मेजर एग्जामिनेशन में पेपर टू होता है वो थर्मल होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे पे बैक पीरियड, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर और ये सब एनर्जी सेविंग्स वगैरह के हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पे बैक पीरियड। जो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, वो होता क्या है? पे बैक पीरियड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमने किसी मशीनरी में, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है तो इक्विपमेंट की रिकवरी कितने दिनों में होगी, वो उसका पे बैक पीरियड कहलाएगा। पे बैक पीरियड इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय एनुअल सेविंग। ये अगर मैंने कोई इक्विपमेंट परचेस किया है और उस इक्विपमेंट को सेटअप करने में, उसको कमीशनिंग करने में कुछ मुझे खर्चे आएंगे, तो ये दोनों का जो टोटल कॉस्ट होगा वो उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहलाएगा। और उस इक्विपमेंट को लगाने से मुझे कुछ एनर्जी सेविंग भी मिलेगी, और वो एनर्जी अगर मैं एनुअल में लूँ मतलब साल भर में, तो वो मेरी एनुअल सेविंग कहलाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उस इक्विपमेंट का डिवाइड बाई जो उससे सेविंग हो रही है, अगर उसमें उसे कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस इक्विपमेंट की जो लागत में मैंने खर्चे किए हैं, मतलब उस इक्विपमेंट को कमीशनिंग करने में, सेटअप करने में, वो मुझे कितने साल में या कितने दिन में मिल जाएगा। तो वो कहलाता है उसका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइड बाई एनुअल सेविंग। ओके, अब सेकेंड आते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर पर। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब एनर्जी का हम कितना यूज़ कर पाते हैं, है ना? तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्लस हीट फॉर प्रोसेस डिवाइड बाय इनपुट हीट टू टरबाइन। अब हम टरबाइन से बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कुछ हीट देते हैं। सब हीट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर नहीं पाती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट कह सकते हैं, प्लस कुछ इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है जिसका जो है हम उसको वेस्ट नहीं जाने देते हैं, हम उसका यूज़ जो है कूलिंग प्रोसेस में या और भी बहुत सारे पावर प्लांट प्रोसेस होते हैं हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्लस जो हीट फॉर प्रोसेस जिसको हमने इस्तेमाल किया है डिवाइड बाई इनपुट हीट टू टरबाइन, जो मतलब जितनी हमने टरबाइन को हीट दी है उससे अगर करते हैं तो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर नहीं मिल जाता है, मतलब हमने एनर्जी का किस किस तरीके से कितना यूज किया है वो मिल जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है ये। अब बात करते हैं एनसीवी की। एनसीवी इक्वल टू जीसी माइनस 9 इनटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर डिवाइड बाय 100 इनटू 584। एनसीवी, एनसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि अगर हम किसी फ्यूल की बात करें, और जैसे कि सपोज कोयला लेते हैं और उस कोयले का 1 किलोग्राम क्वांटिटी ले करके अगर हम उसे बर्न करें, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसमें सारी इम्प्योरिटी जैसे नमी हो गया, मॉइस्चर हो गया, हाइड्रोजन सल्फर, सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, एकदम प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो उस केस में अगर हम उसको ले करके 1 किलो कोयला ले करके अगर हम उसे बर्न करते हैं तो उस केस में जो हमें हीट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी वो उसकी एनसीवी कहलाएगी, यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो होता है प्योर कैलोरीफिक वैल्यू होता है और उसका यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, लेकिन अगर हम उसकी सारी इम्प्योरिटी नहीं निकालते हैं, उसमें मॉइस्चर रहता है, हाइड्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, जो भी है सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है, और उस केस में उस फ्यूल का, जैसे सपोज कोयला की ही बात करें, उसका 1 किलो अगर ले करके हम बर्न करते हैं तो उस केस में जो हीट मिलेगी वो कहलाएगी उसकी जीसीवी। जीसीवी मतलब टोटल कैलोरीफिक वैल्यू, टोटल कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन ये पूछ दिया कि एनसीवी निकालिए, ठीक है, तो एनसीवी को अगर हम फार्मूला के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो जीसीवी माइनस, इसका फार्मूला है जीसीवी माइनस, जीसीवी की वैल्यू हमको पता रहेगी, जीसीवी माइनस 9 इंटू कितना हाइड्रोजन परसेंटेज उसमें है प्लस कितना मॉइस्चर परसेंटेज उसमें है वो डिवाइड बाई 100 इंटू 584। ये सब फार्मूलास आए हैं, तो अगर हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमको एनसीवी जो है मिल जाता है। ओके, अब ये कुछ खास रख क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है आपको एनुअल सेविंग निकालनी है, फ्यूल सेविंग निकालनी है, फ्यूल रिक्वायरमेंट निकालना है, जो भी है आपको सेविंग एनुअल कितनी है उसके टर्म्स में बात करनी है। तो वो आप कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो एनुअल सेविंग किसी भी चीज़ का अगर निकालेंगे हम एनर्जी मैनेजर एग्जाम में, तो अगर हम सेविंग कैसे कर सकते हैं, सेविंग तभी होगा जब हमारी
फ्यूल की सेविंग होगी, हमारी बिजली की सेविंग होगी, तब हम सेविंग कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारा एनुअल सेविंग अगर हम फ्यूल की सेविंग करते हैं उससे होती है, तो एनुअल फ्यूल सेविंग कितना हो रहा है वो देख लीजिए इनटू उस फ्यूल की कीमत क्या है वो। अगर मैं एनुअल फ्यूल सेविंग में रेट ऑफ फ्यूल का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एनुअल सेविंग जो है मिल जाएगी, यानी कि एनुअल फ्यूल सेविंग साल में कितना फ्यूल मैं बचा रहा हूँ इनटू रेट ऑफ फ्यूल क्या है वो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एनुअल सेविंग मिल जाएगी। ओके, अब ये तो मिल गया, अब मुझे ये निकालना है कि एनुअल फ्यूल सेविंग कैसे निकालनी है। तो एनुअल फ्यूल सेविंग का फॉर्मूला होता है एनुअल एनर्जी सेविंग डिवाइड बाय एफिशिएंसी इनटू सीवी, सीवी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू। अगर मुझे ये निकालना है कि एनुअल फ्यूल सेविंग में एनुअल एनर्जी सेविंग कितना हुआ है, तो मैं वो क्वांटिटी निकालूंगा, सॉरी मैं उस वैल्यू को निकालूंगा कि एनुअल एनर्जी सेविंग कितनी हुई है। ये किलो कैलोरी में भी हो सकता है, ठीक है, इसका यूनिट, या किलो जूल में भी हो सकता है। ये निकालने के बाद मैं जो उस जो भी पार्टिकुलर वो इक्विपमेंट हमारे रहेंगे, जैसे सपोज बॉयलर हो सकता है, हीटर हो सकता है, फर्नेस हो सकता है, उसका एफिशिएंसी हम ले लेंगे इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें जो फ्यूल यूज़ हुआ है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो ले लेंगे। तो ये तीनों के वैल्यूज़ अगर हम रख दें तो हमें एनुअल फ्यूल सेविंग जो है उसके वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई फ्यूल सेविंग की बात। अब अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज़ फ्यूल रिक्वायरमेंट बॉयलर का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ये पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो फ्यूल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है बॉयलर में क्या जाता है, स्टीम जाता है, और बॉयलर में हम जानते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी होता है, ठीक है। तो इन डिवाइड बाई एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी इनटू कैलोरीफिक की वैल्यू, कैलोरी वैल्यू यानी कि बॉयलर में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, सपोज़ उसमें कोयला यूज़ हो रहा है फ्यूल के लिए, तो हम कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू ले लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ स्टीम इंटू चेंज इन एंथैल्पी डिवाइड बाई एफिशिएंसी इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। अब सपोज़ यहाँ पर बॉयलर ना होकर के हीटर हो तब क्या करेंगे, तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, थोड़ा सा मेथड बदल जाएगा, उसमें क्वांटिटी ऑफ स्टीम की जगह क्वांटिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा, सॉरी क्वांटिटी ऑफ हीटर में हम क्या चीज़ गर्म कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ वो एम है उसका क्वांटिटी, और जिस चीज़ को गर्म कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, सपोज़ वो एस है, और हमको कितना गर्म करना है, अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर इतना है पर उसको इतना से कितना गर्म करना है, तो वो आ जाएगा डेल्टा टी, मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, उन दोनों का डिफरेंस। तो एम एस डेल्टा टी ये फॉर्मूला आ जाएगा डिवाइड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ हीटर या जो भी है, और इनटू सी वी, सी वी जो हम उसमें फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है फ्यूल रिक्वायरमेंट बॉयलर या हीटर या जो भी हम ले सकते हैं उसका हम उसमें हम फ्यूल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट याद रखने वाली बात यह है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में दी रहती है, हर चीज़ें तो कैलोरी के टर्म्स में नहीं दी रहती हैं, या किलो जूल के टर्म्स में नहीं दी होती हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, इसका सिंपल सा है, इसको याद रखने की चीज़ें हैं ये, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। इसको फिर आप ब्रिटिश थर्मल यूनिट में या किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। ये सब याद रख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन करना जो आगे का है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है MTOE। तो पहले मैं बता दूं MTOE होता क्या है, MTOE का फुल फॉर्म है मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, यानी कि अगर हम 1 मीट्रिक टन ऑयल को बर्न करते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की वैल्यू होती है 10^1 × 10^7 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड है ऑयल के टर्म्स में एनर्जी का, कि हम कि अगर हम ऑयल के टर्म्स में लेते हैं बर्न करने पर तो हमको कितनी एनर्जी मिलती है, तो 1 MTOE इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म में, मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट को, तो 1 MTOE इक्वल टू 1 × 10^7 किलो कैलोरी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ हीट लॉस इन इंसुलेशन, किसी भी स्टीम लाइन में या किसी भी तरह की डक्टिंग में जो होता है हीट लॉस होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला होता है 10 × TS − TA डिवाइड बाई 20 (brackets close) इंटू TS − TA। अब TS क्या होता है, TS जो होता है वो सरफेस टेम्परेचर होता है, मतलब उस डक्टिंग या उस पाइपलाइन का सरफेस टेम्परेचर हो गया, और जो TA होता है वो एम्बियंट यानी कि जो एटमोसफेयरिक टेम्परेचर है वो होता है। अगर सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी पाइपलाइन में इंसुलेशन नहीं है उस समय हीट लॉस क्या हुआ, और इंसुलेशन करने के बाद उस हीट लॉस में कितनी कमी आई,
अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि इंसुलेशन करने से हीट लॉस में कितनी कमी आई है और इससे आप सेविंग भी शो कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टोटल हीट लॉस क्या हुआ। ये तो रेट ऑफ हीट लॉस है, मतलब पर मीटर स्क्वायर में कितना हीट लॉस हो रहा है, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि टोटल हीट लॉस कितना हुआ तो कैसे करेंगे, तो टोटल हीट लॉस निकालने के लिए जो सरफेस एरिया है ना, उसमें आप जो है रेट ऑफ हीट लॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल हीट लॉस जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो और ये मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जो रेट ऑफ हीट लॉस है उसका जो यूनिट होता है किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर है, और जो टोटल और एरिया का तो आपको पता ही है कि यूनिट क्या होता है, वो है मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको जो है थर्मल में 10 जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए हैं, जिसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं या ध्यान में रख लेते हैं तो आपका थर्मल पेपर जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि थर्मल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और उसको किस तरीके से जल्दी से जो है सॉल्व कर सकते हैं और आप कम कम समय में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।